देखिए करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, नाम से कुछ कुछ आइडिया लग रहा है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव होना, ठीक है। जरा से किसी ने कुछ बोला बगल वाला, यानी कान कितने सेंसिटिव हैं, इसे कहते हैं सेंसिटिविटी। तो अच्छा, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या था भाई? गैल्वेनोमीटर में क्या था कि जब हम एक क्वाइल लेते थे, ठीक है, और क्वाइल को जब हम करंट फ्लो कराते थे और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे, तो क्या होता था? उसमें एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होता था, टॉर्क लगता था। क्या फॉर्मूला था टॉर्क का? एन आई ए बी साइन 90, क्योंकि हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिया था, है ना। अच्छा, इसके बाद जब ये घूमता था तो जो आपका सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर था उसमें जो स्ट्रिप थी वो घूम जाती थी, याद है ना, और पायोटेड में स्प्रिंग घूम जाती थी। तो दोनों बातें, चाहे आप स्प्रिंग कहो घूम गई और चाहे कहो स्ट्रिंग घूम गई, दोनों में ही स्प्रिंग को घुमाओ चाहे स्ट्रिंग को घुमाओ, वो हमेशा एक अपोजिंग ईएमएफ क्रिएट करेगी, ईएमएफ नहीं, अपोजिंग टॉर्क क्रिएट करेगी। और अपोजिंग टॉर्क किसके इक्वल था? इज इक्वल टू सी फाई के। सी यहाँ पर क्या था? टॉर्जनल कोफिशियंट कॉन्स्टेंट, टॉर्जनल कॉन्स्टेंट। टॉर्जनल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है पर यूनिट ट्विस्ट, एक डिग्री घुमाने में जितना टॉर्क क्रिएट हो। कौन सा टॉर्क? रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो, यही आपने पढ़ा है ना। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि यूनिट करंट फ्लो होने में जितना डिफ्लेक्शन क्रिएट हो, जितना ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट हो, उसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन बोले तो फाई, एक्चुअली आपको याद होगा, सुनिए ध्यान से, वो एक आपने सिलेंडर, जब आपने क्वाइल बनाया था तो क्वाइल कैसे बनाया था? एक सिलेंडर ऐसे लिया था, इधर देखिए, एक सिलेंडर लिया था आपने ना, उस सिलेंडर के ऊपर क्वाइल लपेटा था। हमने क्या किया, इस घूमेगा कौन सिलेंडर, ठीक है, हमने सिलेंडर के ऊपर ही वो लगा दिया क्या, पॉइंटर। तो जब घूमेगा तो ये पॉइंटर घूमेगा, तो हमको क्या लग गया, ये ट्विस्ट कौन हो रहा है, ये हमारा जो ये क्वाइल है, यही है ना। तो वही लिखिए, क्या लिखा, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, व्हेन द यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, यानी करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला हो गया करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निकाली जाए, फाई की रख दे, फाई की वैल्यू क्या दिख रही है, एन आई ए बी अपान सी और इंटू आई, आई आई गई, तो ये आ गया आपका एन ए बी अपान सी। तो ये करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला होता है। एन ए बी अपान सी करंट सेंसिटिविटी, इसका इंडिकेशन को यूज़ किया गया है क्या? कहीं कहीं पर आईजी लिखा रहता है, कहीं कहीं कुछ भी लिखा रहता है, कुछ लिखा है इन्होंने, हाँ, तो करंट सेंसिटिविटी को शॉर्ट में सीएस लिखा गया है। एक नोट लिख लीजिएगा, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है? उस वैद्युत सुग्राहिता, हमने कहा हिंदी बोल दे थोड़ा सा, रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी इज नोन एज, इसको कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि नहीं है, फिगर ऑफ मेरिट, इस वर्ड को याद रखिएगा, आता नहीं कभी, नहीं मतलब ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद रखने में क्या दिक्कत है, इसको फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। तो एंगल ही से तो निकला है ये, देखिए एक्चुअली कोई फार्मूला जब आप रखते हो वो जो गिवन चीज होती है, एन दिया है, ए दिया है, बी दिया है, इससे निकालना आसान होता है ना, एंगल यूज तो हुआ था, मेन तो यही फार्मूला एंगल वाला ही है, ठीक है। तो ये तो कहलाता है करंट सेंसिटिविटी। अच्छा एक चीज और देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट गैल्वेनोमीटर का हुआ,
कि भाई एन आई ए बी इज इक्वल टू सी फाई होता है, सी की वैल्यू वहाँ दी हुई होगी, टॉर्जनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है, वो दिया होगा उसमें, ठीक है। इसमें जो आपका सी अपान एन ए बी होता है, हियर सी अपान एन ए बी, इसको कहीं कहीं पर कैपिटल जी या कहीं कहीं पर कैपिटल के लिखा जाता है, ये गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट कहलाता है, इसको रिडक्शन फैक्टर भी कहते हैं। ये क्या है, इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। अच्छी बुक्स में कैपिटल जी लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट को कैपिटल जी से लिखा गया है, या इसको हम रिडक्शन फैक्टर भी कहते हैं, या रिडक्शन फैक्टर कहते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, रिडक्शन फैक्टर। ये ध्यान रखिएगा कि कैपिटल जी को गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट कहते हैं, लेकिन कैपिटल जी कोई इसका रिश्तेदार नहीं है कि हमारे पेटेंट चाचा हमारे चाचा हैं ही हुकूक नहीं। भाई कैपिटल जी तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी होता है, हम कैपिटल जी एमीटर का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जैसा वहाँ यूज़ हो रहा हो वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया करंट सेंसिटिविटी और गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट। देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, कि यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने पर, ठीक है, जितने एंगल से वो घूम जाए उसको कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। डेफिनेशन लिखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ये वी एस लिख तो दिया है लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए क्या लिखा है, ठीक है, बाद में पता लगा ढूंढ रहे हैं वी एस क्या, अब वेरी स्मार्ट होता होगा भाई, नहीं ध्यान रहा कभी कभी, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डेफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर, डेफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर when a unit voltage is applied across its coil, when the unit voltage is applied across its coil, यानी कि voltage sensitivity का formula क्या हो गया, deflection per unit voltage, ठीक है, as V is equal to क्या होता है IR, so voltage sensitivity का formula क्या बन जाएगा, V upon IR, कुछ तो देखा है, एक मिनट क्या लिख लिया, मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, फाई अपान आई आर, सॉरी फाई अपान आई आर, कुछ तो आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले, अभी आपने देखा है कि एन ए बी इज इक्वल टू सी फाई होता है, तो फाई को यहाँ से गायब कर दिया जाए, एन आई ए बी, एन आई ए बी, तो फाई को गायब किया जाए क्या आएगा, एन आई ए बी अपान सी इंटू आई इंटू आर, आई आई गई तो ये हो जाएगा आपका एन ए बी अपान सी आर, क्या लिख रहा हूँ भाई, सी आर। अच्छा इसमें एक चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, फाइ इज इक्वल टू हमने क्या बताया है, एन ए बी अपान सी इंटू आई बताया है, इसको हमने क्या माना है, इसी को हमने कैपिटल जी माना है ना, कैपिटल जी किसको माना गया है, आई बराबर सी अपान, उल्टा माना गया है, आई बराबर हमने क्या लिखा है, सी अपान एन ए बी इंटू फाई, इसको हमने कैपिटल जी माना है ना, तो हम इसको कैपिटल जी के टर्म में भी ला सकते हैं, ध्यान रखिएगा, तो अगर कैपिटल जी के टर्म में हो तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो करंट सेंसिटिविटी समझ में आ गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी समझ में आ गया, यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने में जितना डिफ्लेक्ट हो जाए, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा वो सेंसिटिव होता है। जैसे जरा सा भी आप क्लास में होते हैं, कभी कुछ टीचर होते हैं कीप क्वाइट कीप क्वाइट कीप क्वाइट, बट यू आर नॉट कीपिंग क्वाइट, तुम कह रहे हो बेटा हाँ कीप क्वाइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ टीचर होते हैं जरा सा भी आपको कीप क्वाइट नहीं कहते हैं, अच्छा हम लोग क्लास में कीप क्वाइट नहीं कहते, मतलब हम हैं तो कीप क्वाइट अपने आप हो गई, ना करो कीप क्वाइट, तो जरा कीप अनक्वाइट करो, तो हम बताएं कीप अनक्वाइट का रिएक्शन क्या होता है, तो अपने आप चुप होते हैं, तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, जरा सा आप हिले क्यों सड़प खड़ा जाओ, क्या दिक्कत है, अपने आप कोई हिलेगा नहीं, यही होता है ना, यानी कि यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने में जितनी ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट हो जाए उतना ज़्यादा वो सेंसिटिव कहलाता है,